दोस्तों, साल 2015 में रिलीज हुई ये मूवी आज तक की वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है। यूं तो यूट्यूब पे इस मूवी को कईयों ने एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन आज हम इस चैनल पे इस मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंत में हम ये भी जानेंगे कि जो भी कुछ इस मूवी में दिखाया गया है वो किस हद तक साइंटिफिकली सही बैठता है। क्योंकि जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने नासा के स्टाफ्स की हेल्प ली थी इस मूवी को सही ढंग से प्रदर्शित करने में। फिलहाल हम कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें मार्स यानी मंगल ग्रह को दिखाया जाता है, जहाँ पे नासा ने 6 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा हुआ है, और इन 6 एस्ट्रोनॉट्स का काम वहाँ पे मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करके वापस पृथ्वी पे लाना होता है, ताकि नासा के वैज्ञानिक मार्स के मिट्टी के सैंपल्स की जांच कर वहाँ पे भूतपूर्व के जीवन के बारे में जान सके। जैसे कि आप सबको पता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले मार्स का अपना एटमॉस्फेयर हुआ करता था, और अगर तब मार्स का अपना एटमॉस्फेयर था तो इस बात के भी पक्का चांसेस हैं कि वहाँ पे पृथ्वी की ही तरह लिक्विड वाटर प्रचुर मात्रा में रहा होगा। वहाँ पे कभी बड़े बड़े महासागर, नदियाँ और झीलें हुआ करती रहेंगी। इसीलिए नासा ने हम इस मिशन के जरिए 6 एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पे भेजा है, ताकि वो मार्स के मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करके वापस ला सके। ये 6 के 6 एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन को बखूबी अंजाम भी दे रहे होते हैं। इन्हें बस 7 और मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करने, जिसके बाद उनका ये मिशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। इन 6 एस्ट्रोनॉट्स के सूट में एडवांस टेक्निक से लेस कम्युनिकेशन मीडियम होता है, जिससे ये धरती पे नासा की टीम से आसानी से कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं। सब कुछ सही जा रहा होता है कि तभी धरती पे नासा की टीम को एक वार्निंग दिखाई पड़ती है। नासा की टीम को पता लगता है कि चंदीपल में इनके मिशन साइट एरिया में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये खबर जब लेविस को पता चलती है, जो कि इन 5 एस्ट्रोनॉट्स की कमांडर होती है, तो वो तुरंत मिशन रद्द करने का फैसला करती है। अब तक यहाँ पे तूफान आ भी चुका है और लेविस हमें स्पेस शटल को डिपार्चर करने का ऑर्डर दे देती है, लेकिन इसी तूफान में इनके एक साथी जिसका नाम मार्क वॉटनी होता है से एक एंटीना का टुकड़ा टकराता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। अब लेविस, जो कि इन सब की कमांडर होती है, वो बाकी 4 साथियों को हमीस को लॉन्च करने की तैयारी करने को कहती है और खुद मार्क वॉटनी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे वॉटनी नहीं मिलता। साथ ही वॉटनी का कम्युनिकेशन मीडियम भी खराब हो जाता है, जिससे ये क्रू उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे बाकी क्रूज को लगता है कि अब तक वॉटनी मर चुका होगा। लेविस कुछ देर तक उसे ढूंढने के बाद जब उसे वॉटनी नहीं मिलता, तो वो भी हम इस स्पेस शटल में बैठकर यहाँ से टेक ऑफ कर जाती है। यहाँ पे टेक ऑफ करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये तूफान बहुत तेज होता है, जिससे इनके स्पेस शटल को खतरा होता है। अब इन 4 एस्ट्रोनॉट्स के यहाँ से जाने के बाद मार्स की धरती को दिखाया जाता है, जहाँ पे अब तूफान शांत हो चुका है, और मार्क वॉटनी, जिसे उसके साथियों ने मरा समझकर यहाँ से निकल गए थे, वो अभी भी जिंदा होता है। साथ ही एंटीना का एक टुकड़ा उसके सूट को चीरकर उसके शरीर में घुस गया है। उसके सूट का ऑक्सीजन लेवल भी काफी गिर चुका है। वो जल्दी से क्रूज द्वारा बनाए गए बेस में जाता है, जहाँ वो अपने सूट को निकालता है, और वो एंटीना का टुकड़ा जो कि उसके शरीर में घुस गया है, वो उसे निकालने की कोशिश करता है, और काफ़ी दर्द सहने के बाद वो उस टुकड़े को निकालने में कामयाब हो जाता है। उसके पास अब नासा से कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी माध्यम नहीं होता, तो अब वो हैब के अंदर नासा के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, ताकि अगर वो मर भी जाए तो आने वाले मिशंस में नासा उसकी वीडियो देख पाए। वीडियो में वो बताता है कि जिस हैब में वो अभी है, वो 31 दिन टिकने के लिए बनाया गया था। वो यहाँ पे कभी भी मर सकता है। वो यहाँ पे प्यास के कारण, हैब में एक्सप्लोड होने के कारण, या ऑक्सीजन की कमी के कारण मारा जा सकता है। और अगर फॉर्चुनेटली किसी कारण से यहाँ पे ये सब कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो यहाँ पे भूख से मर जाएगा। वॉटनी को अच्छी तरह पता है कि नासा का अगला मार्स मिशन 4 सालों में लॉन्च होगा, और उसके पास मात्र 1 साल का खाना ही होता है, तो अब उसे इस ग्रह पे जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें पृथ्वी पे नासा के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां टेडी सैंडर्स यानी जो कि नासा के डायरेक्टर होते हैं, वो सारी मीडिया को बता देते हैं कि मार्स में तूफान की वजह से उनको अपना मिशन एरिस 3 अबॉर्ट करना पड़ा है। साथ ही वो मीडिया को बताते हैं कि टेक ऑफ करते दौरान मार्क वॉटनी तूफान के चपेटे में आ गए, जिससे उसकी मौत हो गई, और बाकी एस्ट्रोनॉट्स अब पृथ्वी की तरफ वापस आ रहे हैं। ये खबर सुन सारी दुनिया में एक शोक की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि मार्क वॉटनी की गिनती वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोनॉट्स में होती थी। वही अब मार्क वॉटनी को दिखाया जाता है, जो कि ये सोच रहा है कि वो किस तरह मार्स पे जीवित रहे। वो बाकी साथियों के केबिन से खाना निकालता है और हिसाब लगाता है कि ये खाना 300 दिनों तक चल सकता है, और अगर वो कम खाए तो ये खाना वो 400 दिनों तक चला सकता है। लेकिन इसके बावजूद उसे 3 साल का खाना और चाहिए होगा, क्योंकि नासा का अगले मिशन 4 सालों में लॉन्च होगा।
तो अब वो खुद से कहता है कि उसे किसी तरह 3 साल का और खाने का इंतजाम करना पड़ेगा ऐसे ग्रह पे जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता। लेकिन मार्क वॉटनी एक बहुत ही आशावादी इंसान होता है, साथ ही साथ वो एक बॉटनिस्ट भी होता है। अगले दिन पूप करने के बाद जब वो वैक्यूम फ्लश करता है तो उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया हिट कर जाता है, जिसके बाद वो कुछ आलू लेता है और उन्हें काटकर खेती के लिए तैयार करता है। क्योंकि वो एक बॉटनिस्ट होता है तो वो उस खेती के लिए उचित क्लाइमेट भी तैयार कर देता है, यानी कि एक पॉली हाउस जहाँ वो उन तमाम कंडीशन को तैयार करता है जो कि एक पौधे के उगने के लिए उपयुक्त होती है। क्योंकि मार्स की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते तो वो अपने वेस्ट को खाद की तरह यूज़ करता है। वो सारे आलुओं को बो देता है, लेकिन उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है पानी की। वहीं दूसरी तरफ धरती पे मार्क वॉटनी का फ्यूनरल कर दिया जाता है और पूरी नासा की टीम उसके फ्यूनरल में उपस्थित होती है। वहीं मार्क वॉटनी को मार्स पे अब 31 दिन हो चुके हैं और अब वो पानी बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। उसके पास सैकड़ों लीटर हाइड्रोजन पड़ा होता है जो कि स्पेसशिप में ईंधन के रूप में काम आता है, जिसे वो इरिडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट से गुजारकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अलग करता है और फिर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसे एक जगह पे जलाता है। लेकिन जब वो पहली बार ऐसा करता है तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को ऐड नहीं करता जो कि उसके मुंह ने रिलीज करी। लेकिन दूसरी बार वो स्पेस हेलमेट पहनकर सफलतापूर्वक ये काम कर देता है। इसके बाद धरती पे विंसेंट कपूर को दिखाया जाता है जो कि नासा के कार्यालय पहुंचकर नासा के डायरेक्टर से सैटेलाइट को एरिस 3 मिशन साइट एरिया की तरफ मोड़ने को कहता है। लेकिन डायरेक्टर टैडी सैंडर्स उसे ये करने से मना कर देता है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर मार्क वॉटनी की लाश पूरी दुनिया को दिखाई पड़ेगी, जिससे नासा की इमेज खराब हो सकती है और उन्हें आने वाले मिशनों के लिए फंड जुटाने में और कठिनाई हो सकती है। लेकिन विंसेंट कपूर हार नहीं मानता है और एरिस 3 मिशन साइट एरिया के कोऑर्डिनेट्स वो मिंडी पार्क को भेजता है जो कि सैटेलाइट एक्सपर्ट होती है। मिंडी जब सैटेलाइट के कैमराज उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ मोड़ती है तो उसे धक्का लगता है क्योंकि वो देखती है कि मिशन साइट में सारी इक्विपमेंट्स अपनी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। ये बात जब वो नासा के डायरेक्टर को बताते हैं तो वो इस बात को यह कह के टाल देते हैं कि हो सकता है कि तूफान की वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन विंसेंट कपूर उसे बताता है कि सोलर पैनल्स को भी साफ किया गया है, जिससे डायरेक्टर को भी पता लग जाता है कि मार्क वॉटनी अभी जिंदा है। ये बात नासा के डायरेक्टर को उलझन में डाल देती है क्योंकि मार्क वॉटनी की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, यहाँ तक कि मार्क वॉटनी का फ्यूनरल भी हो चुका है। तो अब नासा किस मुंह से मीडिया के सामने ये बात कहेगा कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है। नासा के डायरेक्टर टैडी सैंडर्स कहते हैं कि मार्क वॉटनी के क्रूज को उसके जीवित होने की खबर नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे और फिर वो कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। जब वो पृथ्वी पे आ जाएंगे तो ही वो उनको इस बारे में बताएंगे। बाद में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर मीडिया को बता देते हैं कि मार्क वॉटनी अभी जिंदा है और वो उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मार्स की धरती पे मार्क वॉटनी को दिखाया जाता है जहाँ पे अब मार्क वॉटनी को 54 डेज हो चुके हैं और इसी दिन उसे एक गुड न्यूज़ भी मिलती है जब वो देखता है कि जो आलू उसने बोए थे उनमें से एक आलू का पौधा उग चुका है। रात को मार्क वॉटनी हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन एरिस 4 उससे 3200 किलोमीटर की दूरी पे उतरेगा और उसे तब वहाँ पे पहुँचना होगा। वो डिसाइड करता है कि उसके पास 2 रोवर हैं और दोनों रोवर मैक्सिमम 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चार्ज करने के लिए वापस हैब में आना पड़ेगा और यही उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दूसरे दिन वो ट्रायल करता है एरिस 4 मिशन साइट एरिया जाने का, लेकिन सूरज के ढलने के बाद मार्स का टेम्परेचर -16 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिस वजह से वो वापस हैब में आ जाता है। ऐसे ही करके वो कई दिन एरिस 4 जाने का सही रास्ते का मुहैया करता है और अब उसने ठंड से बचने का सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया है। दरअसल नासा ने पिछले मिशनों के जरिए मार्स की धरती पे एक प्लैटिनम बॉक्स गाड़ा हुआ था। मार्क वॉटनी उसी बॉक्स को बाहर निकालता है जो कि रेडियो आइसोटॉप्स थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जिसके डीकेइंग प्रोसेस में उसे हीट मिलती है। इसे वो अपने रोवर में रखता है ताकि उसे ठंड से बचने के लिए अपना हीटर ऑन न करना पड़े, क्योंकि ऐसा करने पर उसके रोवर का चार्ज खत्म हो जाता है। कुछ और दिनों तक वो यही कंटिन्यू करता है और आज उसे 79 डेज हो चुके हैं। अब तक उसके बोए हुए आलू भी बड़े हो चुके हैं। वो उन्हें निकालता है और बड़े आलुओं को खाने के लिए यूज़ करता है तो वहीं छोटे आलुओं को वो फिर से बो देता है। इधर धरती पे नासा की टीम मार्क वॉटनी तक खाना पहुंचाने के प्रोसेस पे जुट जाती है, लेकिन इस प्रोसेस में उन्हें 1 साल लगेगा क्योंकि धरती से मार्स की दूरी अभी कुछ ज़्यादा होती है। इधर मार्क वॉटनी किसी तरह नासा वालों से कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है ताकि वो उनसे उनके मिशन के बारे में जानकारी ले पाए।
लेकिन कम्युनिकेशन का कोई भी माध्यम उसके पास नहीं होता। तभी उसे ध्यान आता है कि 1996 में नासा ने एक मिशन के जरिए पाथफाइंडर को मार्स की धरती पर भेजा था, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से वो इनएक्टिव हो गया था। मार्क वॉट ने उस पाथफाइंडर को ढूंढता है जो कि मिट्टी में दब गया था। इधर नासा में मार्स मिशन के डायरेक्टर को उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो भी कैलिफोर्निया जाता है और पाथफाइंडर की टीम से मुलाकात करता है, जहां साइंटिस्ट उसे पाथफाइंडर का ट्विन सिस्टम या कहे कि मॉडल दिखाते हैं। वहीं इधर मार्स की धरती पे मार्क वॉटनी किसी तरह उस पाथफाइंडर को ठीक कर देता है और नासा को उसके एक्टिव होने का सिग्नल मिल जाता है, जिसके बाद मार्क वॉटनी 3 बोर्ड लेता है। मार्क वॉटनी एक बोर्ड पे कैन यू सी मी लिखता है और एक बोर्ड पे यस लिखता है तो वहीं दूसरे पे नो। इधर नासा की टीम को जब ये मैसेज मिलता है तो वो पाथफाइंडर का कैमरा यस की तरफ मोड़ मार्क वॉटनी को कन्फर्मेशन दे देते हैं कि वो सब उसे देख रहे हैं, और इस बात से मार्क वॉटनी काफी खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि धरती पे नासा की टीम सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब दे सकती है, और हर एक सिग्नल को रिसीव करने के लिए उन्हें 32 मिनट का समय लगता है। लेकिन मार्क वॉटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ देता है। वो अपने साथी क्रू के बॉक्स से ASCII लैंग्वेज की बुक निकालता है और बहुत सारे बोर्ड्स लेता है और ASCII कोड्स में मैसेज भेजना शुरू कर देता है। वहीं नासा की टीम भी उसकी ही तरह अपने रोवर के चारों तरफ ASCII कोड्स रख देते हैं, और जो भी कुछ नासा वाले उससे कहना चाह रहे हैं वो उस कोड की तरफ कैमरा मोड़ देते हैं, और फिर मार्क वॉटनी मैसेज को डिकोड करता है। ASCII कोड की वजह से ही नासा वाले मार्क वॉटनी को सॉफ्टवेयर पैच भेजते हैं, जिसके थ्रू मार्क वॉटनी अब नासा वालों से बड़ी आसानी से कॉन्टेक्ट कर पा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले ASCII कोड्स के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ASCII कोड्स और कुछ नहीं बल्कि मॉर्स कोड की ही तरह एक लैंग्वेज है, जिसकी फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। इसमें हम कोड्स के थ्रू एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। नासा वाले मार्क वॉटनी को मैसेज भेजते हैं कि नासा उसके लिए खाना भेज रहा है ताकि वो 4 साल तक सर्वाइव कर पाए। मार्क वॉटनी उनसे पूछता है कि क्या उसके क्रू को ये पता है कि वो अभी मार्स ग्रह पे जिंदा है, जिस पे नासा कहता है कि अब तक ये बात उन्होंने उसके क्रू को नहीं बताई, लेकिन अब बता देते हैं। बाद में जब नासा वाले मार्क वॉटनी के क्रूज को उसके बारे में बताते हैं तो सारे क्रूज टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने साथी को मार्स ग्रह पे मरने के लिए छोड़ दिया था। इधर मार्स ग्रह पे मार्क वॉटनी के साथ एक हादसा हो जाता है। दरअसल जिस जगह पे उसने आलू बोए हुए थे उस जगह पे किसी कारण ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी सारी आलू की खेती खराब हो जाती है। और जब नासा वालों को ये पता चलता है कि मार्क वॉटनी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, तो वो मार्क वॉटनी को एक दिन का खाना 4 दिन तक चलाने के लिए कहते हैं। वहीं नासा भी अब इरिस प्रो मिशन को लॉन्च करने वाला है, जो कि वॉटनी तक 4 साल तक का खाना पहुंचाएगा। लेकिन इरिस के लॉन्च होने के कुछ ही देर बाद वो ओवरवेट और हीटिंग की वजह से फट जाता है, और इस तरह नासा और मार्क वॉटनी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। मार्क वॉटनी को जब ये पता चलता है तो वो अपने बचने की उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि कई कोशिशों के बाद उसे हर बार हताशा हाथ लगती है। साथ ही आज मार्क वॉटनी को मंगल ग्रह पे पूरे 186 दिन हो चुके हैं। वो अपने क्रूज को सॉफ्टवेयर पैच के थ्रू बताता है कि उसने हर समस्या का डट के सामना किया और वो अंत तक लड़ते रहा। हालांकि वो हार नहीं मान रहा है, लेकिन हमें हर तरह के अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। वो उन्हें कहता है कि वो उसकी माँ का ख्याल रखे और उन्हें बताए कि मार्क वॉटनी को अपने काम से प्यार था, और अगर वो मर भी गया तो इसके पीछे उसका एक नेक मकसद था। अब सारी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि नासा का इरिस मिशन फेल हो गया है, और अब सारी दुनिया को लगता है कि मार्क वॉटनी कभी वापस नहीं आएगा। वहीं इस खबर को चाइना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर भी देख लेते हैं, और अब चाइना डिसाइड करता है कि वो तायांग सेन बूस्टर जो उनके पास है, जिसकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक भी हो चुकी है, वो उसे नासा को दे देंगे ताकि वो मार्क वॉटनी तक खाना पहुंचा सके। वो नासा से कॉन्टेक्ट करते हैं, और अब एक बार नासा को दोबारा से एक और चांस मिल चुका है जिससे वो मार्क वॉटनी तक खाना पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसी बीच हमें एक रिच पन्नेल नाम के एक जवान लड़के को देखते हैं, जो कि एक फिजिसिस्ट और रॉकेट साइंटिस्ट होता है। रिच पन्नेल इनको बताता है कि एरिस 4 के लॉन्च होने से पहले वो मार्क वॉटनी को घर ला सकते हैं अगर वो हर्मिस को ही वापस मार्स की ऑर्बिट में भेज दे। चूंकि फ्यूल की कमी के कारण वो मार्स ग्रह पर लैंड नहीं करेंगे, बल्कि खुद मार्क वॉटनी एरिस 4 के मिशन साइट एरिया में जाकर वहां पर मौजूद प्रो में ऑर्बिट तक आएगा, और फिर हर्मिस में मौजूद उसके साथी उसे रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन नासा के डायरेक्टर को उसका ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसा करने पर हर्मिस में मौजूद क्रूज का मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा, साथ ही इसमें उनकी जान का खतरा भी होता है। और एक ऐसे क्रूज के लिए जिसके बचने के चांसेस बहुत कम है, उसके लिए 5 क्रूज की जान जोखिम में डालना वाकई एक पागलपन का काम है।
और इसीलिए टैडी सैंडर्स ये करने से मना कर देता है। लेकिन रिच पर्नेल किसी तरह हर्मिस के क्रूज तक ये मैसेज पहुंचा देता है, जिसके बाद पांच एस्ट्रोनॉट्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने साथी मार्क वाटनी को रिट्रीव करने मंगल की कक्षा में जाएंगे। वहीं चाइना की मदद से नासा सक्सेसफुली बूस्टर को लॉन्च कर देता है, जिसके बाद वो बूस्टर हर्मिस स्पेसशिप तक खाना पहुंचाता है और अब ये ग्रेविटी पुल के साथ मार्स के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ समय के बाद के समय को दिखाया जाता है, जहां मार्क वाटनी को 219 दिन हो चुके हैं और वो एक दिन का खाना 3 दिन तक चला रहा है, जिस वजह से वो काफ़ी वीक भी हो गया है। हर्मिस में मौजूद उसके साथी उसे बताते हैं कि वो एरिस 4 के मिशन साइट एरिया में जाके मैव तक पहुंचे, जिससे मार्क वाटनी ऑर्बिट तक आएगा, जिसके बाद मार्क वाटनी अपने रोवर में उस एरिस 4 मिशन साइट एरिया के लिए निकल पड़ता है। वो सुबह अपना सफ़र शुरू करता है और फिर दिन में बैटरी को चार्ज करता है। ऐसे वो रोज करता है और अब कई दिनों के बाद वो एरिस 4 मिशन साइट एरिया तक पहुंच जाता है। अब तक मार्क वाटनी को मार्स ग्रह पे 516 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम यह होती है कि मैप को मार्स की ऑर्बिट तक आने के लिए उससे कुछ भार कम करना पड़ेगा। नासा का प्लान होता है कि मैप के एयरलॉक, विंडोज, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम हटा के उसका वेट कम से कम 5000 केजी तक होना चाहिए, जिसके बाद ही मैप मार्स की ग्रेविटी से निकलकर उसकी ऑर्बिट तक पहुंचेगा। यहाँ तक मैप के मैनुअल कंट्रोल्स भी हटाकर हर्मिस से मार्टिनेज उसे कंट्रोल करेगा, जिसके बाद नासा के कहने पर मार्क वाटनी मैप से सारा भार कम करने लगता है और भार कम करने के बाद वो बूस्टर को ऑन करता है और मार्स की धरती को छोड़ निकल जाता है। वहीं अब उसके साथी क्रूज की टीम हर्मिस में मार्स की ऑर्बिट तक आ चुके हैं और वाटनी को रिट्रीव करने के लिए एक रस्सी के सहारे उनकी कमांडर लुइस बाहर जाती है। वहीं दूरी ज़्यादा होने के कारण वाटनी अपने स्पेस सूट में होल करता है ताकि वो खुद को स्पेस में डायरेक्शन दे पाए। काफ़ी मशक्कत करने के बाद लुइस मार्क वाटनी को पकड़ लेती है और अपने स्पेसशिप में वापस ले आती है। वहीं ये सब कुछ पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है और जब दुनिया को ये पता चलता है कि मार्क वाटनी को रिट्रीव कर दिया गया है तो ये पूरी दुनिया के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है और सारी दुनिया में इसका जश्न भी मनाया जाता है। अब कुछ समय के बाद के समय को दिखाया जाता है, जहां मार्क वाटनी अपनी टीम के साथ सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लैंड कर चुके हैं और अब वो एक सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर बन चुका है, जिसमें वो कई एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट को बताते हैं कि कैसे वो मंगल की धरती पर सर्वाइव कर सकते हैं। और मूवी के इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत होता है। आइए अब मूवी में उस खास इंसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि साइंटिफिकली इनएक्यूरेट हुआ है। मूवी की शुरुआत में नासा का क्रू मार्स की धरती पे जब उतरा था और जब वहाँ पे तूफान आया तो उसकी एस्टिमेट फोर्स 8600 न्यूटन्स बताई गई थी, जबकि अब तक के मार्स पे भेजे गए मिशंस हमें बताते हैं कि मार्स पे तूफान तो आता है लेकिन तूफान की स्पीड 100 किलोमीटर से 160 किलोमीटर पर आर के बीच में होती है। और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हम जानते हैं कि मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तुलना में काफ़ी पतला होता है और अगर इसी इनर्शिया और डायनेमिक प्रेशर को ध्यान में रखा जाए तो ये तूफान लगभग उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि हमारी धरती पे 18 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलने वाली हवा होती है। यानी कि मार्स पे तूफान अगर आ भी जाए, चाहे वो कितना ही भयानक हो, तो भी वो मुश्किल से 5 ग्राम के भार को उठा पाने में सक्षम होगा। और यहीं पे इस मूवी की थ्योरी गलत हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी मूवी साइंटिफिकली रॉन्ग है, बल्कि इस मूवी में कई बार साइंस को बेहतर और इनोवेटिव ढंग से यूज किया गया है। इसीलिए अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को जरूर देखें। खैर, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कर सकते हो।